गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर ईवीएस क्लास। बेटा, लास्ट ईवीएस क्लास में हमने हमारा जो चैप्टर वाटर वी ड्रिंक स्टार्ट किया था, वो उसकी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 34। योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, हमने वाटर के बारे में पढ़ा था कि वाटर हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, क्यों ज़रूरी है, वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर सप्लाई कैसे होता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी है और क्वेश्चन आंसर दिए हैं। यहाँ पर आपको साथ में हेल्पिंग बॉक्स भी दिया है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड डैश टू लिव, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको किसकी ज़रूरत होती है, यहाँ से आप ढूंढ के लिखेंगे। डैश इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, पानी का सबसे मेन सोर्स मुख्य स्रोत कौन सा है। डैश द वाटर किल्स जर्म्स इन इट, हम पानी के जो जर्म्स हैं वो किससे मार सकते हैं। वाटर शुड बी मेड डैश फॉर ड्रिंकिंग, वाटर को आप पीने लायक कैसे बना सकते हैं। ओके, कैसे बनाना चाहिए, मतलब पीने के लिए जो पानी है वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ आपको फोर ऑप्शन दिए हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप यहाँ से इसको क्या करेंगे, फिल करेंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप आंसर की हेल्प लेंगे, उसमें सारे आंसर आपको दिए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका सर्कल द ऑड वन आउट, आपको फोर वर्ड्स दिए हैं, इसमें से कौन इस ग्रुप से अलग है उसको आपको सर्कल करना है। जैसे रिवर नदी, माउंटेन पहाड़, लेक मतलब झील, पॉन्ड मतलब तालाब। तो रिवर में भी पानी होता है, लेक में भी पानी होता है, पॉन्ड में भी पानी होता है, माउंटेन इन तीनों से क्या है, अलग है, तो आप माउंटेन को सर्कल करेंगे। बाथिंग नहाना, कुकिंग खाना बनाना, स्विमिंग तैरना और कॉम्बिंग कंघी करना। ठीक है, तो बाथिंग, कुकिंग, स्विमिंग एंड कॉम्बिंग। बाथिंग मतलब नहा रहे आप, कुकिंग मतलब खाना खा रहे हैं, स्विमिंग मतलब तैर रहे, और कॉम्बिंग मतलब आप कंघी कर रहे हैं। तो इसमें से कौन सा जो वर्ड है वो अलग है उसमें आपको सर्कल करना है। आइस बर्फ, वाटर मीन्स पानी, वाटर वेपर मतलब भाप, और पेट्रोल मीन्स पेट्रोल जो गाड़ी में डलता है। तो ये तीनों क्या है, पानी है। आइस जो बर्फ है पानी से बनता है, वाटर जो है वो पानी है, वाटर वेपर भी पानी से बनती, पेट्रोल क्या है, पेट्रोल होता है। तो इसमें क्या अलग है वो आप सर्कल करेंगे। इवोपरेशन, इवोपरेशन मतलब भाप बन के ऊपर उड़ना, कंडेंसेशन, प्यूरिफिकेशन एंड प्रिसिपिटेशन। तो ये चारों हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, आप उसको ध्यान से वीडियो को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या इवोपरेशन होता है। जब पानी बॉयल होता है और भाप बनती है तो वो इवोपरेट होके भाप बन के क्या हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन में क्या होता है बेटा, कि जो पानी है वो ऊपर जाता है, ठंडी हवा के संपर्क में आता है, तो फिर वो क्या बनता है, संघनित होके बादलों के रूप में बनता है। पानी की बूंदें जो होती है वो बादल बनाती है। प्यूरिफिकेशन, पानी को क्या करना, प्यूरिफाई करना, साफ़ करना। प्रिसिपिटेशन, जब बहुत ज़्यादा पानी की बूंदें जब हेवी हो जाती है तो वो बारिश के रूप में या फिर बर्फ के रूप में कहाँ आती है, नीचे आती है पृथ्वी पर, तो उसको कहा जाता है प्रिसिपिटेशन। तो इवोपरेशन, कंडेंसेशन और प्रिसिपिटेशन हमने किस में पढ़ा, वाटर साइकिल में। लेकिन प्यूरिफिकेशन वाटर साइकिल में नहीं है। प्यूरिफिकेशन किस में है, पानी को प्यूरिफाई करना, साफ़ करना। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये प्यूरिफिकेशन अलग है। ठीक है, बाकी ये दो आपको करना है, दो मैंने आपको बता दिए हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 पर आपको करना है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। आइस, आइस कौन सा फॉर्म है पानी का, सॉलिड। ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर क्या है, वाटर वेपर क्या है, और रिवर क्या है। तो वाटर वेपर क्या होगा, गैस। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर क्या है, लिक्विड। एंड रिवर क्या है, सोर्स ऑफ वाटर। तो ये भी आप अपनी बुक में ही कंप्लीट करेंगे। फिलअप्स और आपका सेकंड क्वेश्चन, देन थर्ड क्वेश्चन, ये आपको बुक में ही करना है। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के पहले आपको राइट डाउन डेट इन डे, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम अपनी ईवीएस की क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है। देन उसके बाद आपको नीचे जितने भी वर्ड मीनिंग्स दिए हैं चैप्टर के नीचे की साइड, वो पहले आप कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू डालेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फिर आप क्वेश्चन नंबर वन लिखेंगे और फिर आंसर की से क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर टू लिखेंगे, फिर आंसर की से क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो ऐसे ही आपको ये पूरा वर्क अपनी क्लास वर्क नोटबुक में कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ उसको आपको थोड़ा थोड़ा
लर्न भी करते जाना है। ओके, जैसे वर्ड मीनिंग लर्न कर लिए, 1-2 क्वेश्चंस लर्न कर लिए, तो पहले तो आपको राइटिंग वर्क कंप्लीट करना है, देन उसके बाद फिर आपको लर्निंग करना है। थैंक यू।